जिन गंभीरताओं का आना अति आवश्यक है, जब यह शरीर उसे प्राप्त कर लेता है तभी वह मनुष्यता को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से जीवन में सुख को सहन करने की क्षमता जागृत होती है, जिस प्रकार से जीवन में दुख को सहन करने की क्षमता जागृत होती है, जैसे ही यह शरीर इन्हें प्राप्त करता है आगे चल के वो मनुष्यता को प्राप्त हो जाता है। तभी तो कहना पड़ गया, सुख और दुख में व्यक्ति को समान अवस्था में रहना उसकी मनुष्यता का प्रतीक दिखाई देता है। अगर हमने अपने जीवन में सुख और दुख के अनुभव को अपने शरीर में अंगी साथ नहीं किया तब यह जीवन अधूरा सा प्रतीत होगा। एक उदाहरण देता हूं, गंगा के किनारे एक दुष्ट बैठा हुआ है। एक संत भगवान नित्य प्रति स्नान करने के लिए जाते हैं, वो गए और गंगा में स्नान किया। जैसे ही बाहर आए उस दुष्ट ने कीचड़ उठाकर के संत भगवान के शरीर में डाल दिया। संत भगवान कुछ नहीं बोले, पुनः स्नान किया। जैसे ही स्नान के बाद बाहर आए उस दुष्ट ने पुनः कीचड़ उनके ऊपर डालता गया। इसी प्रकार से वो कम से कम 7 बार गंगा स्नान कर चुके, वो दुष्ट कीचड़ डालना बंद नहीं कर रहा है। अंत में वो दुष्ट महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और पूछने लगा, मैंने इतनी बार आपके स्वरूप का अपमान किया, आपके जीवन में क्रोध नहीं आया? तो जानते हो संत जी ने उत्तर क्या दिया? संत भगवान ने उत्तर दिया, तुम अगर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी साधुता क्यों छोड़ दें? मैं नित्य प्रति गंगा का 1 बार स्नान करता था, चला जाता था, लेकिन आज तुमने मेरे ऊपर 6 बार कीचड़ डाला जिसके कारण मैंने गंगा स्नान किया, तो मुझे 1 दिन में 7 बार गंगा स्नान करने का मौका मिला। तुमने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, मैंने अपनी साधुता नहीं छोड़ी। कहने का तात्पर्य, जीवन में सुख जीवन में दुख किन्हीं रूपों में किसी प्रकार से अगर आते हैं और व्यक्ति उसमें सम स्थिति में बना रहता है, ना उसे दुख और ना उसे सुख का कोई भान होता है, वह शरीर ही साधुता को प्राप्त होता है, वह शरीर ही मनुष्यता को प्राप्त होता है, उसे शरीर को ही कहा जा सकता है बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि सच्चा मानव का शरीर वही भोग पाता है। राम, ये पुरानी कथाएं हैं, बड़ा समय व्यतीत होता है, देख रहा हूं यह बेला स्वयं में व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा के मिलाने का अवसर प्रदान करती है। प्रकृति की संधि, दिन का समापन, रात्रि का अभ्युदय हमारे जीवन में संधि को लाता है। संधि नाम जोड़ का, जब आत्मा परमात्मा से जुड़े, जिस समय पर वह पावन संधि की बेला है, ऐसे समय में व्यक्ति को कभी भी अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। जिस प्रकार सूर्य अस्त होते समय व्यक्ति को भोजन इत्यादि अपने अन्य कार्यों से वंचित होकर के केवल प्रभु का स्मरण करना चाहिए, यह पावन संधि की बेला हमें सब कुछ प्रदान कर सकती है। अगर हम इस बेला का सदुपयोग करें तो व्यक्ति भोग नहीं केवल अपने जीवन में योग को अपनाएगा। राम, संध्या यंति संधते परब्रह्म यस्यामि सह संध्या, जिस वंदन के अंतर्गत हम अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में लीन करते हैं, वह समय हमारे लिए संधि बेला बन जाता है। लाल, हम भी करते हैं, तुम भी करो, यह पावन सुखद समय बेला आई सुंदर संधि बेला, आई सुंदर संधि बेला, आई सुंदर संधि बेला। मेरा तुम दोनों भाइयों को आदेश है, हम भी संध्या वंदन कर रहे हैं, आप दोनों जाकर के भी संध्या वंदन करो। जाओ लाल,
परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संध्या की उपासना और वंदना करने का पावन आदेश प्राप्त हुआ। बड़ा प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का और बड़ी पावन पुनीत बेला है, और जिस बेला में मां का गुणगान होता है उस बेला का ही सदा ध्यान होता है, और ध्यान वही किया करते हैं जिन्हें हर दृश्य का भान हुआ करता है। साधारण दृश्य होता तो साधारण बात होती है, लेकिन एक ऐसे स्थान पर मां का गुणगान हो रहा है जहां पर हर समय मां की कृपा यहां पर बनी रहती है, और ये तो मां संधि की वंदना है। तो आओ लालन, हम अपना सर्वस्व ध्यान तो लगा ही दें, और जीव चराचर से ये विनती है, निवेदन है कि अगर आप भी उसमें ध्यान लगा देंगे तो मां के गुणगान में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो ना भैया, कितना प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का। इस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा है, दिन और रात्रि का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ बेला पर परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया गया। अगर हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन है, और मानव जीवन में एक विशेषता यह है कि कार्य करने से पहले मानव विचार अवश्य किया करते हैं, क्योंकि अगर कार्य करने से पहले विचार हमने नहीं किया तो केवल हमें फिर पश्चाताप ही करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कार्य करें तो कार्य करने से पहले विचार अवश्य करें कि आज कितने समय हमें प्राप्त होगा, और आज संध्या करने का क्या विचार है, संध्या करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। संध्या करने से हमें मुख्य दो लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ यह है कि संध्या करने से जो हमारे द्वारा अनजाने में पाप हो जाते हैं वह सभी पाप केवल मां संध्या की उपासना मात्र से समाप्त हो जाते हैं। संध्या का मूल लाभ यह है। दूसरे लाभ की ओर जब हम ध्यान देते हैं, संध्या करने का क्या महत्व है, क्या लाभ है, तो संध्या करने का एक विशेष तत्व है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें। क्या कोई सहज मार्ग है जिससे हम भी परमात्मा की प्राप्ति और उसका दर्शन इन नेत्रों में प्राप्त कर सके। तो आचार्यों ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन तो बहुत कठिन है, हर कोई उस साधन को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा मार्ग है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हम सहज में कर सकते हैं। वो कैसे? तो बताया गया कि जब हम इस आत्मा को उस परमात्मा में मेल देते हैं, अर्थात मिला देते हैं, तो एक संधि होती है, उसी समय को सुंदर संधि वंदना के रूप में हम करते हैं। तो आज क्यों ना इस आत्मा को उस परमात्मा में हम जोड़ दें, मेल दें। सम्यक ध्यायते ब्रह्मस्याम बेलायाम सह संध्या, अर्थात जिस बेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाए, ब्रह्म का स्मरण किया जाए, उसी बेला का नाम संध्या है। तो आओ लालन, इस पावन पुनीत बेला पर मां संध्या के चरणों में सुमन अर्पित करें, वंदन करें। कहो लालन, क्या कहना चाहते? पूर्वा संध्या जपत तिष्ठेत सावित्री मार्ग दर्शनात्, पश्चिमां तु समासीनो सम्यक गृहति भावनात्। लेकिन ग्रंथों ने यह तक कह दिया, ना तिष्ठति तु यह पूर्वा ना उपास्ते यश पश्चिमां सा सूद्रवद वहिष्कारा सर्वस्मा दुष्कर्मणा। मानव जीवन के लिए संध्योपासन बहुत ही आवश्यकी कार्य बताया गया। मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर मिलने का उद्देश्य क्या है? तो शास्त्रों ने बताया कि मानव शरीर प्राप्त करने का मात्र एक ही उद्देश्य है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। तभी मनुष्य का शास्त्रों में एक नाम और है, मुमुक्ष,
जो मोक्ष पाने का इच्छुक है वही मनुष्य है, लेकिन ये मोक्ष मुक्ति मिलेगी कैसे? आचार्यों ने कहा, यथा कष्टमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अंधिमानस्त्री स्त्री नाम विभ्रति। काष्ठ का हाथी देखने में हाथी जैसा लगता है, चमड़े से बना हुआ मृग देखने में मृग जैसा लगता है, वैसे ही संस्कारों के बिना भी मनुष्य देखने में मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन संस्कार प्राप्त करने से ही मनुष्य में मनुष्यता प्रमाणित हो जाती है। संस्कार जो वेदों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वह बात तो बड़ी कठिनाई से समझ में आती है, लेकिन प्रभु आपके श्रीमुख से अगर कोई छोटा सा भी वाक्य निकलता है तो वह निश्चित रूप से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण मंत्र बन जाता है। वह वेद भी वह बात समझाने में समय लगाते हैं, लेकिन आपके निकले हुए शब्द निश्चित रूप से वह ज्ञान प्रदान करते हैं, बोध प्रदान करते हैं कि संसार में सत्यता का दर्शन होता है। भगवान की उपासना, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन तो मुझे नित्य होता है। आपके श्री चरणों का दर्शन ही लक्ष्मण के लिए मुख्य दर्शन माना गया है। हे प्रभु, मेरे जीवन का समर्पण भाव है, और संध्योपासन ध्यान एकाग्रचित करने का विषय है, तो ध्यान भी यहां होना चाहिए। हे प्रभु, यमन माता राम मत्पिता राम चंद्र स्वामी राम मत्सखा राम चंद्र। जब संसार का दर्शन मैं करता हूं तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें आपका दर्शन ना हो। सर्वस्वमेव रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। और किसी का दर्शन होता ही नहीं। आपके साथ माँ की स्तुति, माँ का वर्णन, माँ का आवाहन हो तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय होगा। अवललन इस पावन पुनीत बेला का लाभ उठाएं, और यही तो एक सच्चा समय है जिस समय का हम लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये समय फिर आए ना आए और मानव जीवन फिर मिल पाए ना मिल पाए। जय हो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेणु संस्थिता नमतस्यै नमो नमः। माँ के चरणों में डाल के एक होना, एक होना है वो ना। पुष्प कलियों को चुने हम, पुष्प कलियों को चुने हम, समय सरोना है। पुष्प कलियों को चुने हम, समय सरोना है। माँ के चरणों में डाल के एक होना है, माँ के चरणों में डाल के एक हो। कुछ
पल में रह नहीं सकता, रहे बिना एक पल रह नहीं सकता। मौत की घात को कोई सह नहीं सकता, मौत के घाट को कोई सह नहीं सकता। पर जिसने पाई है माँ की कृपा, एक मैं जानूं या हो जाए, एक मैं जानूं या हो जाए, एक मैं जानूं या हो जाए, एक मैं जानूं या वो जाने। क्योंकि वर्णन माँ का हो रहा है तो माँ की महिमा कैसी है। वरनी ना जाए महिमा तिहारी, वरनी ना जाए, वरनी ना जाए महिमा तिहारी, वरनी ना जाए महिमा कंदन। हे दुख भंजन असुर निकंदन, राख लाज हमारी, वरनी न जाए महिमा तिहारी, वरनी न जाए महिमा जलते हैं श्रद्धा के तो प्रकाश होता है आस्था का। कहना है मां दीप जले आना, मां सांढले आना, मां दीप जले आना, मां सांढले आना, संकेत मिलन का भूल न मेरा माधी चले आना, मां सांझ
लगा दो मन करे अर्चन लगा दो मन करे पूजन जो संध्या ही तू आए लगा दो मैं करे पूजन जो संध्या ही तू आए जो संध्या ही तू आए है जो संध्या ही तू आए है जो संध्या ही तू आए है जो संध्या ही तू आए जो संध्या कर प्रेम की गंगा पखारो माँ के चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा बहा कर प्रेम की गंगा बिछा दो अपने पल को बिछा दो अपने पल को की वंदना का गुणगान और सूर्य की लालिमा की एक प्रकाश ज्योति जो मांग भर रही है सृष्टि का अवलोकन कर रही है। सूर्य की लालिमा मांग भरने लगी नौवधु बन के संध्या विचरने संध्या के गान पल पल गाऊं
प्रभु अपना लीनी मारे अपना बनाई पापी लत हर लीनी मारे अपना बनाई के आई बिला 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 आई बिला 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 सदी बिला 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 आई बिला हेलो 501 रुपया का डांस सहयोग आप है।